वेरी गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद एवरीवन, दिस इज पारस। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। दिस पार्ट इज बेसिकली फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास ट्वेल्थ महाराष्ट्र बोर्ड, और हमने ऑलरेडी क्लास ट्वेल्थ का जो 1.2 हमने स्टार्ट किया है उसके हमने काफी क्वेश्चन कर लिए। क्वेश्चन नंबर 9 से हम देखने जा रहे हैं। तो जो लोग नए हैं वो ध्यान दीजिएगा कि मेरे पहले प्रीवियस वीडियो देखिएगा। अगर वो वीडियो आप देखते हैं तो आपको डेफिनेटली बहुत मदद मिलेगी आगे समझने में। हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री को कंबाइंड जो क्वेश्चन है वो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन ऑफ इनवर्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक, उनका जो है डिफरेंशिएशन कैसे करना है वो देखेंगे हम। सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे हम उसको एज्यूम करते हैं, है ना, वो देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। वन इज व्हाट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन कराऊं उससे पहले मैं आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले रिकॉल करा देता हूँ जो बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे ख्याल से आपने क्लास 11th में डेफिनेटली चीज पढ़ी होगी। और तो वो फॉर्मूले एक्चुअली कौन से हैं मैं बताता हूँ। ये एक पढ़ा था हमने साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। साइन 2 थीटा ये क्या होता था? ये होता था 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये साइन 2 थीटा का फॉर्म tan के फॉर्म पे। सिमिलरली ये फॉर्मूला नंबर 1 ध्यान दीजिएगा। फॉर्मूला नंबर 2 जो आपने पढ़ा होगा वो cos 2 थीटा का tan के फॉर्म पे फॉर्मूला था। वो था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियरली सिमिलरली tan का भी, tan 2 थीटा भी tan के फॉर्म पे जो होता था, tan का 2 थीटा होता था 2 tan थीटा। आप चाहो तो इसको डिवाइड कर दो, साइन अपॉन कॉस कर देंगे तो ये दोनों कट जाएगा। न्यूमरेटर में ये बचेगा, डिनोमिनेटर में ये माइनस वाला बचेगा। ये 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये तीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। और थोड़ी दिन पहले हमने शायद अभी कल परसों में साइन 3 थीटा का और कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला भी देखा था। ठीक है, तो वो हम जब जरूरत पड़ेगी तो आके देखेंगे। फिलहाल ये इंपॉर्टेंट तीन फॉर्मूला है, आप चाहो तो इसको फटाफट नोट कर लीजिए। मैं इसको अभी क्लीन कर दूंगा। पहले देखिए अल्टीमेटली करना क्या है हमको। एक्चुअली ये फॉर्मूले तीनों की तीनों लर्न होने चाहिए कि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर होता है तो यहाँ पे हम लिखते हैं sin 2 थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है तो cos 2 थीटा। अगर इसी को डिवाइड कर दिया sin अपॉन cos तो sin 2 थीटा बन जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो बहुत ध्यान से, क्या आपको समझ आया? अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब मैंने बताया जब भी कॉस इनवर्स, इसमें ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व होगी ही होगी। ध्यान दीजिए कैसे, जैसे ही मैं एक्स को टैन सपोज करता हूँ, देखो आपको कुछ इससे सपोज आ रहा होगा, इससे आपसे कुछ कुछ रिलेट हो रहा है। अगर एक्स के प्लेस में हम टैन थीटा रख जाए तो कहीं ना कहीं कॉस बन जाएगा और कॉस से कॉस इनवर्स चला जाएगा। देखो क्या करने वाले हैं, मैं सपोज करता हूँ लेट वॉट एक्स इक्वल टू टैन थीटा। अगर एक्स को हम टैन थीटा रखते हैं, चलिए अभी हम सिर्फ क्वेश्चन मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। हमको सिर्फ क्वेश्चन को मॉडिफाई करना है, डिफरेंशिएशन लास्ट में करना होता है ऐसे क्वेश्चन में। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, हमने क्या रखा है x के प्लेस में क्या रखना है tan थीटा। और ये आइडिया हमको कहाँ आएगा, tan थीटा का स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, सिमिलरली 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये आइडिया मुझे कहां पर से आया? मैंने देखा कि कॉस के अंदर में ऐसा कुछ पैटर्न बना हुआ जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये बनता है। इनवर्स के फॉर्म पे फॉर्मूले याद मत रखिए, आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ट्रिग्नोमेट्री का ही रखिए, बिल्कुल ऐसे ऐसे, बिल्कुल अभी जरूरत पड़ेगी हम देखते जाएंगे, आपको बिल्कुल आसान लगेगा। चलिए अब देखते हैं। आपको पता है कि दिस इज व्हाट, दिस इज cos 2 थीटा, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स और ये बन जाएगा cos 2 थीटा। फॉर्मूला बन गया cos 2 थीटा का फॉर्मूला, बिल्कुल यही बस लर्न करना। चलिए अब बात करते हैं cos इनवर्स cos चला जाएगा, अल्टीमेटली y इज इक्वल टू 2 थीटा। अब मैं dy बाई dx यहाँ नहीं निकालूंगा, बिल्कुल आप कहते ही बिल्कुल यहाँ गलती नहीं करिएगा, अदरवाइज थीटा यहाँ आप कांस्टेंट समझ लेंगे और dy बाई dx जीरो समझ लेंगे। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, थीटा का डिफरेंशिएशन हम नहीं करने वाले। रीजन क्या, क्योंकि थीटा तो हमने सपोज किया है, क्वेश्चन में थोड़ी थीटा दिया है, क्वेश्चन में थीटा नहीं दिया है तो इसको वापस से ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर हमको क्या गिवन है, यहाँ पर हमने एक्स इक्वल टू टैन थीटा सपोज किया है तो डेफिनेटली हमको अब थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो थीटा ये इधर चला जाएगा, tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा। या फिर आपको अगर ऐसा नहीं लगता है, एक काम करो ऐसे मतलब याद रखो, इसको ऐसे रखो, बोथ साइड tan इनवर्स लगाइए, दोनों तरफ tan इनवर्स लगाते हैं अपन, प्री मल्टीप्लीकेशन tan इनवर्स लेते हैं। ठीक है, तो आपको पता है ये कैसा हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। ठीक है, अल्टीमेटली होता है ऐसा है, लेकिन आप उसको डायरेक्टली समझ सकते हैं कि tan थीटा इक्वल टू x तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। जल्दी में हम अगले बार से ऐसे ही करेंगे, क्या करेंगे थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x समझ लेंगे। ठीक है, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू tan इनवर्स x। जो भी सपोज करो उसको लास्ट में लेके जो थीटा आया उसको वापस से रिप्लेस करना है वैल्यू। अब अल्टीमेटली क्या dy बाई dx हम निकाल सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ 2 tan इनवर्स x। तो आपको पता है 2 तो बाहर आ जाएगा और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अल्टीमेटली आंसर इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज आंसर। वापस एक बार रिकॉल करते हैं, कैसा भी क्वेश्चन दिया हो हमको क्या करना है, बिगिनिंग में देखना है किस टाइप का फॉर्मेट है भाई, हमको देखना है ये 1 माइनस एक्स, इसको अगर एक्स को टैन सपोज करके देख सकते हैं, हमारे पास 4, 5, 6 तो टोटल है, तो हमको साइन कॉस टैन को सकते कोट ये 6 में से कुछ ना कुछ सपोज करना है। तो जल्दी अगर फॉर्मूले आपको अगर याद है, टाइप ऑफ फॉर्मूले आपको याद है तो सपोजिशन करने में याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ फॉर्मूले याद है उससे ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। टैन रखना है, मोस्टली टैन रखते हैं, आप देखना इन सभी में टैन का यूज होगा। अभी 1 माइनस टैन का 1 प्लस टैन स्क्वायर, टैन 2 थीटा बन गया, सॉरी कॉस 2 थीटा बन गया, देन कॉस से कॉस कैंसिल हो गया 2 थीटा। थीटा की वैल्यू रिवर्स करने के लिए एक्स इक्वल टू टैन थीटा, तो थीटा इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स रख दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, अब आपको पता है। ठीक है, मैं जल्दी से इसको क्लीन करता हूँ। ये 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आप इसको नोट कर लीजिए, हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, अभी हम क्वेश्चन सेकंड देख रहे हैं, नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड इज व्हाट, वाई इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डन, आप देखते हैं क्वेश्चन में क्या है, क्या मेरे पास एग्जैक्टली वही है। इस बार पैटर्न देखिए आप, वापस से पैटर्न 2x अपॉन 1 प्लस होता तो साइन वाला फॉर्मेट में जाता, माइनस है तो कौन से में फॉर्मेट जाता है, टैन वाले में। तो मतलब x के वैल्यू वापस से क्या सपोज करना, दोनों ही केस में टैन सपोज करना पड़ता। हम सपोज करते हैं लेट x इक्वल टू टैन थीटा, जैसे मैं टैन थीटा रखता हूं क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाता है हमारा। कैसे देखिए, दिस इज 2 tan थीटा, x के प्लेस में हम tan थीटा रख रहे हैं ना, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स tan स्क्वायर थीटा। क्लियर, अभी क्या करना है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, देखिए ध्यान से क्वेश्चन में दिया है tan 2 थीटा। क्या होता है, ये होता है tan का 2 थीटा। अभी tan से tan इनवर्स चला जाएगा, अल्टीमेटली y इज इक्वल टू 2 थीटा, लेकिन आपको थीटा की वैल्यू वापस से रखनी है। तो आपने x इक्वल टू tan थीटा तो हमको पता है, ये हमने सपोज किया हुआ, तो क्या हो जाएगा थीटा इक्वल टू, डायरेक्टली मैंने बताया कैसे करना है, tan इनवर्स x बता देंगे। ठीक है, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। ओके, तो y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। अब क्या करना है, अब मेरे पास एक्चुअली x के फॉर्म पे डिफरेंशिएशन करना है। अरे x के फॉर्म पे आ गया मेरा फंक्शन, अब कर दीजिए इसको डिफरेंशिएशन, dy/dx ऑफ 2 tan इनवर्स x। आपको पता है 2 तो एज इट इज रहेगा, और tan इनवर्स x का डिफरेंस 1/1 + x² इज आवर आंसर। बिल्कुल आसान है, डरने वाली कोई बात नहीं, क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही मिलेगा। एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हम जल्दी से कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं y इज इक्वल टू क्या दिया है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर, अभी क्या करना है आपको समझ आ रहा होगा, ये वाला अभी बाहर पे मत जाओ, पहले अंदर देखो ये पैटर्न बनता कहां पर है, ये बनता कहां पर, देखो 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स बनता है कॉस वाले पे। ठीक है, अंदर अगर कॉस भी बन गया तो साइन इनवर्स को कॉस में हम चेंज कर सकते हैं। चलिए बढ़े आगे, अल्टीमेटली क्या सपोज करूंगा मैं, लेट x इक्वल टू tan थीटा, देन क्या होने वाला है, वैल्यू रख देते हैं हम, देन साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर, x के प्लेस पे हमने क्या रखा, tan थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाट, cos 2 थीटा। ये जो फॉर्मूला का फॉर्मूला है cos 2 थीटा का, बिंदास रखिए आप, क्या रखेंगे cos का 2 थीटा। बट आपको क्या पता, ये तो कॉस और साइन वाला आ गया, लेकिन आपको एक फॉर्मूला याद है, कौन सा फॉर्मूला मैं यहाँ मेंशन करता हूँ, हमको पता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। अरे इनवर्स में चेंज कर सकते हैं ना, साइन इनवर्स प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू π/2। 3 फॉर्मूले होते हैं सिमिलर सिमिलर, कौन कौन सा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, और कॉट इनवर्स एक्स या फिर tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, और सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। तो चलिए देखते हैं, ये साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, साइन इनवर्स एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, है ना, साइन इनवर्स एक्स को π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, ये साइन इनवर्स एक्स को π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, कौन सा मेरा इसके लिए ये है, कौन है, कॉस 2 थीटा। क्लियर, अभी आपको पता है कॉस से कॉस इनवर्स चला जाएगा, अल्टीमेटली π/2 माइनस 2 थीटा। ठीक है, π/2 माइनस 2 थीटा। अभी थीटा का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट नहीं करना है, वापस से रिप्लेस करने के लिए मैं क्या करूंगा, हमने क्या सपोज किया, यहाँ पर मैं लिख दू, यहीं पे आगे आगे यहीं पे हम मेंशन कर सकते हैं पहले ही, x इक्वल टू tan थीटा है तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। बस वैल्यू पुट कर दीजिए, वो वाली कौन सी, π/2 माइनस 2 इंटू tan इनवर्स x, आया ना थीटा इक्वल टू, बिल्कुल। अभी इसका डिफरेंशिएशन करना है, आसान है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू पाई बाई टू मतलब कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा जीरो माइनस टू, टू इंटू टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अल्टीमेटली आर आंसर इज माइनस टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर हमारा आंसर है। आई होप समझ आ रहा होगा, क्वेश्चन बहुत आसान है, बस ये तीन फॉर्मूले हमको स्टार्टिंग में याद करना है, ऐसे बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम बाकी तीन क्वेश्चन एक बार में निपटा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ये क्वेश्चन गिवन है। अब मैं कुछ फिर से वो फॉर्मूले दो चार लिखने जा रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, वैसे हमने बार बार मैं फॉर्मूले रिकॉल कराते जाऊंगा ताकि आपको भी मजाक मजाक में याद हो जाए, है ना। चलिए देखते हैं, हमको पता है पहले की साइन का टू थीटा जो फॉर्मूला होता है, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है ना। ये फॉर्मूला तो बिल्कुल याद हो गया होगा, 11th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं इस फॉर्मूले को। अब एक और फॉर्मूला है जो कि साइन का थ्री थीटा होता है, वो थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा, जो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही कॉस थ्री थीटा का फॉर्मूला भी होता है, कॉस थ्री थीटा, मैंने कहा था पेयर पेयर में आप याद रखिए तो बिल्कुल याद आएगा। ये पहले वाला पार्ट आ जाता है, मतलब फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा, आगे पीछे हो जाता है, साइन के प्लेस पे कॉस लग जाता है। मैंने बताया था अगर आप जब भी पेयर के फॉर्म में याद करेंगे तो बहुत जल्दी याद हो जाती है फॉर्म। चलिए देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4 में वैसे फॉर्मूला भी है किस चीज का, तो आपको बाद में इन्वर्स में समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमको हर फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली हमको क्वेश्चन बाय प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन क्या हो जाता है, प्रैक्टिस करते करते चीजें याद हो जाती है, फॉर्मूले याद हो जाते हैं। कैसे हम इसमें क्या सपोज करेंगे, साइन इनवर्स चला जाए। देखिए अगर मैं इसको साइन सपोज करूं, वैसे भी अंडर रूट में आपको पता है मैंने सपोजिशन पहले लिखवाया हुआ कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसमें कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक ऐसे रखेंगे क्योंकि अंडर रूट हट जाएगा, इसमें साइन रखूंगा तो भी हट जाएगा। देखो साइन स्क्वायर वन माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर, तो ये अंडर रूट चला जाएगा, ठीक है। अगर इसको कॉस रखूंगा तो वन माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर, तब भी हट जाएगा। टेन रखूंगा तो वन माइनस टेन स्क्वायर नहीं होता, वन प्लस टेन स्क्वायर वाला फॉर्मूला होता है, वन प्लस कॉट स्क्वायर वाला होता है। तो अल्टीमेटली मेरे पास दो ऑप्शन है, साइन और कॉस, तो हम साइन ट्राई करते हैं, ठीक है, आपको समझ आ जाएगा। तो मैं एक्स को सपोज करूं, लेट एक्स इक्वल टू साइन थीटा, क्योंकि साइन इनवर्स दिया एक्स में साइन ट्राई कर रहा हूं, वापस से आपको खुद समझ आ जाएगा। यहाँ कॉस इनवर्स भी लिखा होता तो भी बन जाता फॉर्मूला, उसमें मतलब आंसर तब भी आ जाता, आप सिर्फ अप्रोच देखिए, एक्स इक्वल टू साइन थीटा, बिल्कुल। तो हम यहीं पर लिख लेते हैं, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसलिए थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, जब जरूरत पड़ेगी तब मेंशन कर देंगे। अल्टीमेटली क्वेश्चन जो है हमारा कन्वर्ट हो जाएगा साइन इनवर्स टू एक्स के प्लेस पे क्या रखना, साइन थीटा, दिस इज साइन थीटा, और अंडर रूट के अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा। अब ये तो पूरी पंचायत अपन को पता है कि वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, कॉस स्क्वायर थीटा, अरे हाँ ना, कॉस स्क्वायर थीटा। तो अभी क्या बन जाएगा, ये टू साइन थीटा इंटू दिस इज द कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, ये तो समझ आया होगा क्या कि कॉस थीटा का होल स्क्वायर कहलाया ये, ठीक है, स्क्वायर से अंडर रूट चला जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या, कॉस थीटा। दिस इज व्हाट, ये हो जाएगा साइन इनवर्स, और अभी मैंने लिखा है साइन टू थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या होता है ये साइन का टू थीटा, मतलब ये बन जाएगा साइन का टू थीटा। अभी साइन इनवर्स से साइन चला जाएगा, अल्टीमेटली क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा सिर्फ टू थीटा में, अभी डिफरेंशिएशन नहीं करना है क्योंकि थीटा है, थीटा कौन हमको नहीं पता, हमको पता है लेकिन क्वेश्चन वाले को नहीं पता ना, क्वेश्चन में थोड़ी थीटा दिया। वापस से कन्वर्ट करिए, तो वापस से जैसे ही मैं कन्वर्ट करूंगा थीटा के प्लेस में क्या रखेंगे हम, दिस इज साइन इनवर्स ऑफ एक्स, सॉरी डिफरेंशिएशन कर देते हैं हम बिंदास, डी बाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ टू साइन इनवर्स एक्स। अब आपको पता टू तो एज इट इज रहेगा, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो इस तरीके से, अरे वन इंटू है वो, समझ गए होगे आप, ये आंसर है। क्लियर क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है, अरे बस फॉर्मूले आपको ध्यान रखना, फॉर्मूले याद रहेंगे तो सपोजिशन जल्दी जल्दी बन जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, ये बहुत आसान है वाला। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं ना, यही पर देख लेते हैं, दिस इज 5th क्वेश्चन, साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब। अब देखते हैं, आपको समझ आ गया होगा, ये देखो 3 वाला फॉर्मेट, 3 4 3 4 है ना, 3 4 या 4 3 वाला फॉर्मेट जब भी आता है वो 3 थीटा वाले फॉर्मूले होते हैं। आपको जब बार बार फॉर्मूले अगर आप पढ़ोगे ना, साइन 3 थीटा का cos 3 थीटा का, जब दिमाग पर हो जाए रहेगी चीजें तो अपने आप रिकॉल करेंगे, हो सकता है ये साइन थीटा बने या हो सकता है cos 3 थीटा बन जाए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले साइन ही चेक कर लेते हैं, लेट एक्स इक्वल टू साइन थीटा, तो आपको पता है अगर ऐसा होता है तो हम इसको थीटा भी यही मेंशन कर लेते हैं, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स, वो मैंने आपको अभी बताया हुआ है। अब क्या करने वाले हम, इसको क्वेश्चन को कन्वर्ट करेंगे, क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स थ्री एक्स के प्लेस में तो साइन थीटा लग रखना है, दिस इज साइन थीटा माइनस 4 एक्स क्यूब मतलब साइन थीटा का क्यूब मतलब साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा। मेरे ख्याल से समझ आ रहा होगा, क्वेश्चन बहुत आसान है, क्लियर है ना। एक्स के प्लेस में बस वैल्यू 3 साइन थीटा माइनस 4 एक्स क्यूब मतलब साइन थीटा का क्यूब मतलब साइन क्यूब थीटा। अब देखो ध्यान से, ये फॉर्मूला तो हमारा बन गया भाई, ये फॉर्मूला हमारा बन गया, देखो देखो बना ना, ये तो बना 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन 3 थीटा। यहाँ क्या बन जाता, साइन 3 थीटा, दिस इज साइन 3 थीटा। अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 3 थीटा, और आपको अभी पता है कि थीटा को हमको वापस रिवर्स करते हैं तो दिस इज व्हाट, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स ऑफ एक्स। बस डिफरेंशिएशन कर दीजिए, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अल्टीमेटली आवर आंसर इज 3 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक छोटी सी बात, आपको अभी ऐसा कभी लगे ना कि यार यहाँ पर ये साइन दिया इसलिए कि आपने साइन का बनाया, ठीक है, यहाँ पे कॉस इनवर्स दिया होता तो भी कुछ नहीं होता। क्या होता, हम तो एक्स इक्वल टू साइन थीटा ही सपोज कर लेते हैं, अंदर वाला फॉर्मूला देख के 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। मैंने बताया था कॉस अगर होता है तो 4 कॉस इधर से स्टार्ट होता है, इसलिए कोई भी एक फॉर्मूला याद करो, उसका पलट के ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। 4 कॉस क्यूब माइनस 3 होता तो कॉस सपोज करते। अगर यहाँ पे मान लो क्वेश्चन में ऐसा ही दिया होता, y इज इक्वल टू ये दिया होता कॉस इनवर्स और 3x माइनस 4x क्यूब सपोज दिया होता तो क्या करते, तब भी हम यही सपोज करते, तब भी x इक्वल टू साइन थीटा, क्योंकि इसको देख के 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा सपोज करते, ये भी वही रहता एज इट इज। बस क्या हो जाता, y इज इक्वल टू दिस इज कॉस इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा हो जाता। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि कंडीशन अगर ऐसे भी आ जाए तो हम कैसे करेंगे, और दिस इज व्हाट साइन थीटा। अरे साइन थीटा है ना ये, तो हम लिख देते यहाँ पे साइन का 3 थीटा, साइन थीटा लिख देते। अभी आपको पता है कि कॉस इनवर्स एक्स को मैं पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। तो cos इनवर्स x को क्या लिख सकता हूं मैं, ये बन जाएगा पाई बाई 2 माइनस, सॉरी cos इनवर्स x को लिख सकता हूं मैं पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x, मेरा ये लिखा हुआ कौन, साइन थीटा, जैसे हम पहले करते आ रहे हैं। फिर ये से कैंसिल हो जाएगा, तब बचेगा पाई बाई 2 माइनस 3 थीटा, और आपको पता है 3 थीटा, थीटा के वैल्यू वापस से कौन, यही तो रखा है साइन इनवर्स x, तो हम यहाँ पर साइन इनवर्स x रखेंगे, और जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये तो 0, ये माइनस ऑलरेडी रहेगा, दिस इज माइनस, और ये 3 भी रहेगा, साइन इनवर्स एक्स का अंडर रूट में आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्वेश्चन में सिर्फ एक माइनस आ जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला में यहाँ पे कॉस इनवर्स दिया होता तो मैंने आपको बता दिया, डरने वाली कोई बात नहीं है, मैं यहाँ से देखकर नहीं बता रहा हूँ, फॉर्मूला नहीं सपोज कर रहा हूँ, वो जो अंदर क्या बनने वाला है वो फॉर्मूला बताने वाला हूँ। ये कैसे बनता है आपको याद रखना है कि फॉर्मूला क्या है, कन्वर्ट हो जाएगा। आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में जो गिवन है ये, और उसके बाद 7 to 12 भी डिस्कस करने वाले हम पूरी इसी वीडियो में। 6 में क्वेश्चन में ये जो गिवन है, इससे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताना चाहता हूँ। जैसे मैंने बताया कि जैसे जैसे फॉर्मूले एकदम से फॉर्मूले सारे के सारे रख दूंगा तो आपको याद करने में तकलीफ जाएगी, देखेंगे कहाँ कचरा आ गया इतना सारा, थोड़ा थोड़ा करके करेंगे तो मजाक मजाक में याद हो जाएगा। चलिए देखते थोड़ा सा और मजाक करते करते। तो कुछ फॉर्मूले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ही है, वहां पर भी मैं वापस से कराऊंगा तो आपको रिकॉल हो जाएगी चीजें। देखो ध्यान से क्या है, तो जब भी आपको कभी अगर साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स मिले, जैसे कि हम पढ़ते थे ना पहले साइन ऑफ, ये पहले हमने पढ़ा साइन ऑफ माइनस थीटा, तो होता था माइनस साइन थीटा, ठीक है, और कॉस ऑफ माइनस थीटा तो कॉस थीटा होता था। ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं, वापस चाहो तो वो भी रिकॉल कर दो, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन बाहर चला जाओ, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, और ऐसे ही होता था टेन ऑफ माइनस थीटा तो माइनस टेन थीटा, और कॉट ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस कॉट थीटा, ऐसे ही होता था सेक ऑफ माइनस थीटा और कोसेक ऑफ माइनस थीटा, तो ये होता था माइनस कोसेक थीटा, और सेक के केस में होता था सेक थीटा। जिनको याद नहीं है या फिर जिनको भूल गया, मैं वापस से ट्रिग्नोमेट्री के थे, है ना, ट्रिग्नोमेट्री के थे, ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मूला था क्या कि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन, मतलब इसमें कौन दो लोग थे, दो पंचर लोग हैं, कॉस और उसका उल्टा सेक, देखो कॉस और उसका उल्टा सेक, ये अंदर माइनस थीटा होता था उसका माइनस खा लेते थे, कॉस और सेक बन जाते थे एग्जैक्टली, पॉजिटिव हो जाते थे, बाकी सारे लोग माइनस को बाहर निकालते थे, टेन भी माइनस को बाहर निकाल देता था, ऐसे ही कोसेक भी माइनस को बाहर निकाल देता था, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये ट्रिग्नोमेट्री में था। लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सा काम ध्यान रखने लायक है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा अंतर देखेगा आपको, वो क्या ये आप समझ गए होंगे, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा सिर्फ कॉस थीटा होता है, ऐसे ही सेक ऑफ माइनस थीटा सिर्फ सेक थीटा होता है, कॉस और सेक के अलावा बाकी सारे लोग माइनस बाहर निकाल देते थे। ठीक है, ये था ट्रिग्नोमेट्री में। लेकिन इनवर्स में गेम क्या है, साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। सिमिलरली ये एक साथ पेयर के साथ याद रखिए आप, सेकंड पेयर में चलेगा tan इनवर्स माइनस एक्स होता है माइनस का tan इनवर्स एक्स। सिमिलरली थर्ड एक और क्या मैंने वो तो बोला है, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स होता है माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, ये तो तीनों ने माइनस बाहर रख दिया, लेकिन अगली पंचायत जो स्टार वाली पंचायत है ये 1, 2 और 3। स्टार वाली पंचायत कौन है, देखो क्या बचा, कॉस कॉस इनवर्स माइनस एक्स ऐसे ही बनेगा, इसका उल्टा भाई जो चलता है सेक इनवर्स माइनस एक्स, और एक और चलेगा कौन सा, कॉट इनवर्स माइनस एक्स। जो भी है ये स्टार 2 और ये स्टार 3। ध्यान रखिएगा साइन tan और कोसेक में माइनस एक्स होगा इनवर्स में तो वो माइनस बाहर आ जाता है, लेकिन ये तीनों में कॉस सेक और कॉट में डायरेक्टली माइनस बाहर नहीं आएगा, ये कन्वर्ट कर देता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स बना देता है। ठीक है, माइनस बाहर के पाई माइनस बाहर निकालता है, क्या हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, ये भी हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। ये तीनों एक टाइप के बंधु है और ये तीनों एक टाइप के, बिल्कुल याद रखिए रख लीजिएगा। ऊपर कौन सा साइन टैन और कोसेक, साइन टैन कोसेक का माइनस एग्जैक्टली बाहर आ जाता है। उल्टा किसका होता है, आप एक काम करो ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स में कन्वर्ट करो। ट्रिग्नोमेट्री में कौन दो पागल थे, कौन कौन सा, एक सेक और एक कॉस। कॉस और सेक दोनों माइनस के साथ क्या करते थे, खिलवाड़ कर देते थे, माइनस बाहर नहीं निकालते थे, दो लोग थे। यहाँ पे 3 हो जाएगा, कॉस और सेक तो रहेगा साथ में, यहाँ पे कॉट भी इनकी मेजोरिटी में आ जाता, बोला तुम 2 हम 4 होते हैं ना, हम 2 तुम 4 थे, अभी हम बराबर बराबर का मुकाबला होगा। मतलब इनके साथ पार्टी में कौन ऐड हुआ, कॉट इनवर्स एक्स, किसमें, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। ऐसे रिलेट कर लो कहानी बना के तो आप जल्दी याद हो जाएगी चीजें। ठीक है, पाई के साथ निकालते हैं, पाई माइनस इनवर्स एक्स। और कोसेक सेक और कॉट माइनस एक्स का क्या होता है, पाई माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, या सॉरी पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में कैसे यूटिलाइज होगा इस चीजों को हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। दिस इज कॉस इनवर्स, अब मैं एक काम करता हूँ, दिस इज ई की पावर एक्स माइनस, इसको मैं जानबूझ के 1 अपॉन ई की पावर एक्स लिखता हूँ, चलेगा। अरे पावर नीचे ले जाओ डिनोमिनेटर में तो पॉजिटिव नेगेटिव हो जाती है, साइन चेंज हो जाता है, ऐसे ई की पावर एक्स प्लस 1 अपॉन ई की पावर एक्स हो गया। अभी अभी आगे बढ़ना है भाई, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये एलसीएम ले लो हम इसका, e की पावर x इंटू e की पावर x, e की पावर हो जाएगा e की पावर x इंटू e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x, ऐसे इधर लूंगा e की पावर x इंटू e की पावर x, या e की पावर 2x भी लिख सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है, प्लस 1 हुआ। अब आपको देखोगे अपॉन में ये e की पावर x रहेगा, अरे एलसीएम लिया हमने, ये और ये कट जाएगा, अरे ये पलटेगा तो कट जाएगा, आपको समझ आ गया होगा, क्लियर। अभी देखो क्वेश्चन का थोड़ा सा मॉडिफिकेशन ज्यादा नहीं, बड़े आराम से देखना, e की पावर मैं इसको 2x लिख देता हूँ, क्लियर, e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x, अरे बेस से में तो पावर ऐड हो जाती है, x प्लस x इज 2x प्लस 1। अभी थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ये वो वाला फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर, थोड़ा सा याद आ रहा होगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, थोड़ा सा याद आ रहा होगा। तो ये उल्टा लिखा हुआ है, मैं इसको कन्वर्ट करूं, अभी आपको दिखेगा, मैंने बोला ना बार बार आप फॉर्मूला बनाएंगे पढ़ेंगे तो चीजें अपने आप हाथ मना कर देगा, आप दिमाग नहीं चलेगा, हाथ चल जाएगा, वहां तक होता है कई बार। चलिए मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लिया, न्यूमरेटर से माइनस कॉमन लिया, या चाहो तो हाँ न्यूमरेटर से माइनस कॉमन लिया, तो क्या बच जाएगा, ये देखो 1 माइनस ई की पावर 2x दिखा अपॉन, इसको उल्टा करके लिखो, इसमें तो माइनस निकला है नहीं, बस उसको आगे पीछे लिख रहा है 1 प्लस ई की पावर 2x। इससे क्या हो गया भाई, इससे क्या हुआ, आप ध्यान से देखो 1 प्लस इसको एक्स स्क्वायर सपोज कर सकते हैं, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट बन गया, फॉर्मेट बनाया। अभी इस माइनस को मैं फिलहाल ये सोच रहा हूँ कि कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स लिखा है, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस, अरे पूरा एक्स है ना, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस थीटा या माइनस एक्स क्या होता है, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है, मतलब मैं जानबूझ के इसको दूंगा पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ दिस, एग्जैक्टली कौन सा एक्स होता है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ई की पावर 2x अपॉन 1 प्लस ई की पावर 2x हो गया। अभी क्या करना, ये हमने ये कर्म करके किया, क्या उखाड़ लिया, क्या उखाड़ा है वो देखो आप ध्यान से। अब हमको यहाँ पर सपोज कर रह जाएंगे, ध्यान से देखिए फॉर्मूला वही वाला, कौन सा वाला, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूले में क्या, अगर इसको मान लो मैं किसको सपोज कर लू, लेट ई की पावर एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, अगर सपोज कर लिया हमने ई की पावर x इक्वल टू tan थीटा, देखो मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, वापस देखो ये y इज इक्वल टू पाई माइनस, हमने इसको अभी ऐसा लिखा है तो अभी इसको चेंज कर लूं पहले, e की पावर x इक्वल टू tan थीटा अगर बनाऊं तो थीटा इक्वल टू क्या बनेगा, tan इनवर्स e की पावर x, अरे थीटा इक्वल टू tan इनवर्स e की पावर x, ऐसा ही बनता है, अभी तक करता है। ये हुआ, अभी इसको 2 मिनट रोके रखो, चलो इसको बाद में सोचा हमने, पहले क्या किया, ये लिखा हुआ है cos इनवर्स, अंदर क्या लिखा मैंने, क्या किया 1 माइनस e की पावर x का स्क्वायर बना लिया उसको, अरे हाँ ना, वैसे लिख सकते ना, पावर पे पावर मल्टीप्लाई होता है, ये वापस से 2x बन जाएगा। सिमिलरली 1 प्लस दिस इज 1 प्लस e की पावर x का स्क्वायर। देन इसको करने के बाद हमने सोचा कि e की पावर x अगर tan थीटा हो जाता तो कितना अच्छा होता, हो जाता क्या, मान लो सपोज कर लो tan थीटा, जैसे ही माना तो क्या बन जाएगा ये, अगर मैंने tan थीटा सपोज किया है तो क्वेश्चन विल बी पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ वॉट 1 माइनस, इसको tan थीटा सपोज किया है और स्क्वायर लगा है तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर, अभी फॉर्मूला बन गया भाई, फॉर्मूला कौन सा था अभी थोड़ी देर पहले देखा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू था cos का 2 थीटा, y इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स, ये बन गया cos का 2 थीटा। ध्यान से देखिएगा, cos से cos चला जाएगा, y इज इक्वल टू पाई माइनस 2 थीटा। अभी आपको पता है थीटा हमने अभी ऑटोमेटिक रिवर्स करना ना, थीटा क्या रखूं tan इनवर्स e की पावर x, दिस इज tan इनवर्स e की पावर x, बिल्कुल बिल्कुल। अभी dy बाय dx इज इक्वल टू डी बाय dx ऑफ पाई माइनस 2 tan इनवर्स e की पावर x। अब ध्यान से देखिएगा, पहले डिफरेंशिएशन पाई में जाएगा, पाई तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 माइनस 2 इंटू, अभी tan इनवर्स e की पावर x है, पहले बाहर वाला फंक्शन कौन सा है tan इनवर्स, पहले बाहर फंक्शन कौन सा है tan इनवर्स e की पावर x को कैपिटल x सपोज कर लो, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब e की पावर x का स्क्वायर। अभी क्या ये x है क्या, नहीं है बाबा, तो इसका फर्दर डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x, फाइनली जो आंसर आएगा -2/1 प्लस, इसको वापस से e की पावर क्या लिख सकते हो आप 2x लिख सकते हो, अरे हाँ ना, e की पावर x का स्क्वायर मतलब e की पावर 2x लिखते हो, पावर पे पावर मल्टीप्लाई हो जाती है पावर, तो हो जाएगा e की पावर 2x। और ये वाला e की पावर x का डिफरेंशिएशन तो किसी का आज तक e की पावर x का किसी ने कुछ बिगाड़ा नहीं, e की पावर x का डिफरेंशिएशन करो वापस से बन जाएगा e की पावर x। ये हमारा हो गया आंसर dy by dx। आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं, कैसे एज्यूम करना है, और भी है करते हैं इसका, फटाक से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले हैं वो भी नोट करते जाइएगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है ना, 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी वैसे ही क्वेश्चन जो अपन है हमने अभी किया, क्या किया आपको समझ आ रहा होगा। अभी इसको हम कोई ना कोई सपोज करने वाले हैं, लेकिन इसका पावर वावर तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो थोड़ा सा कन्वर्ट है, जरा सा कन्वर्ट करना, क्वेश्चन वैसे ही दे देगा आपको। देखिए कैसे, वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस, मैं इसको पता है क्या लिखता हूँ, मैं इसको लिखता हूँ 3^2 इंटू एक्स, ठीक है, 3^2 इंटू एक्स, दिस इज 1 प्लस 3^2 इंटू एक्स। इसको ब्रैकेट, थोड़ा अच्छा सा ब्रैकेट लगा देते, नन्ना मुन्ना सा लगा हुआ है। चलिए अब हो गया, क्या करना है लिखता हूँ, 3 से 9 होता है, तो अब आपको ये तो क्लियर है भाई कि 3 की पावर क्या हो जाएगा, अरे 3^2x हो जाएगा ना, 1 माइनस 3^2x, अरे पावर पे पावर मल्टीप्लाई हो जाती है दोनों पावर, 1 प्लस 3^2x हो गया। अभी या तो इसको ऐसे लिखो या फिर इसको वापस से ये 3 की पावर 2 का पावर x को मैं कैसे लिख देता हूँ, 3 की पावर x का पावर 2 भी लिख, अरे अल्टीमेटली वही तो चीज है, वही चीज है, मैं इसको वही पे कन्वर्ट कर सकता था, इसलिए मैं जानबूझ के सोचा कि नहीं पहले ऐसा कर दो। अब आप धीरे धीरे आपको समझ आने लगेगी चीजें। तो अब हम क्या करने वाले हैं, आपको सपोज क्या करना है आपको, 3 की पावर x इज इक्वल टू tan थीटा, क्यों अभी देखा 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर बन जाएगा, तो काम आसान हो जाएगा, तो करते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या एडवांस पर रख लेते पंचायत, क्या थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स 3 की पावर x, अरे हाँ ना, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स e की पावर 3 की पावर x हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, तो दिस इज y इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस, ये दिखा आपको मैंने बताया ऐसे लिख सकते हो, अल्टीमेटली ये या 2x वही चीज है। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा 3 की पावर x का स्क्वायर लिखा हुआ है, एक बार और लिखना पड़ेगा, क्या मैं लिख देता हूँ 3 की पावर x का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3 की पावर x का स्क्वायर। कोशिश करता हूं ना लिखूं, फिर बाद में लिख ही देता हूं, क्या करें, y इज इक्वल टू cos इनवर्स। अब देखो 3 की पावर x को तो हमने tan थीटा सपोज किया, तो ये जाएगा 1 माइनस स्क्वायर लगा तो tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फाइनली y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये एक फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा, तो हो जाएगा कॉस का 2 थीटा। अभी क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा y इक्वल टू 2 थीटा, ठीक है। अभी थीटा की वैल्यू रिवर्स करना है भाई, करें, कर लेते हैं। y इज इक्वल टू 2, थीटा की वैल्यू रिवर्स क्या हो जाएगी, थीटा क्या हो जाएगा tan इनवर्स 3 की पावर x, tan इनवर्स 3 की पावर x। अभी डिफरेंशिएशन कर लीजिए फटाफट, d बाय dx ऑफ y इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ 2 tan इनवर्स 3 की पावर x। आपको समझ आया होगा, अभी अभी 12 वाले फंक्शन से स्टार्ट होता है, 2 तो बाहर आ जाएगा, 2 लो बाहर आ गया। 12 वाला फंक्शन कौन सा है, अरे बाहर tan इनवर्स लिखा है तो अंदर को x सपोज करो, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स पावर है मेरे लिए फिलहाल 3 की पावर x इसका स्क्वायर। अभी d बाई डी एक्स ऑफ नकली वाला x जिसको कैपिटल x सपोज किया था, दिस इज 3 की पावर x। अभी 2 अपॉन 1 प्लस, ये तो वापस हो जाएगा क्या, इसको 3 की पावर 2x लिखो या 9 टू दी पावर x लिखो, आप समझ गए होगे। मैं इसको 3 की पावर 2x लिख दे रहा हूँ फिलहाल, है ना, या आप उसको 9 टू दी पावर x भी लिख सकते हो। ये इसका डिफरेंशिएशन आपको पता है, फॉर्मूला कहाँ गया आपको पता होना चाहिए, d बाई डी एक्स ऑफ a की पावर x होता है a की पावर x इंटू लॉग a, कॉन्स्टेंट की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है कॉन्स्टेंट की पावर x इंटू लॉग a। तो करते हैं 3 की पावर x का डिफरेंशिएशन 3 की पावर इंटू लॉग 3, फाइनली आंसर हो जाएगा 2 लॉग 3 इंटू 3 की पावर x अपॉन 1 प्लस, इसको मैं वापस से 9 की पावर x लिख देता हूँ, ये हमारा हो जाएगा dy बाई डी एक्स। आई होप आपको समझ आया होगा, हो सकता है इन्होंने क्वेश्चन में कन्वर्ट करके कुछ लिखा होगा, इसको पावर में ले गया होगा कि 3 का स्क्वायर हो गया होगा ये, अरे एम एन उधर चले जाता है ये उसके लॉग के पीछे, तो लॉग 9 लिखा हो सकता है, वो आप देख लीजिएगा अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आई होप समझ आ रहा होगा, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप बाकी क्वेश्चन करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है, साइन इनवर्स ऑफ दिस, ठीक है। क्वेश्चन देखने में बड़ा उपटा है कि कैसे कन्वर्ट होगा, लेकिन होगा वैसे ही जो हमने किया था, कैसे देखो, देख लेते हैं। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, मैं इसको पता क्या लिखने जा रहा हूँ, अगर आपको पता है 2 की पावर 3 प्लस 5 लिखा है तो ये इसका मतलब होता है 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 5, अरे बेस पावर अलग अलग हो जाती है, बेस सेम तो पावर एड वापस हो जाती है। सिमिलरली यहाँ पर 4 की पावर x इंटू 4 की पावर 1 बाई 2, आपको अभी थोड़ी सी बात समझ आई होगी। सिमिलरली 1 प्लस सॉरी, यहाँ पर भी मैं ऐसे कुछ कर रहा हूँ, यहाँ पर आप ध्यान से देखो, मैं इसको 2 की पावर 4 और इंटू एक्स लिख देता हूँ, 2 की पावर 4 इंटू एक्स लिख सकते हैं। अरे पावर पे पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, आखिर क्यों कर रहा है, क्योंकि अभी हमको दिखेगा यहाँ पर चीजें थोड़ी सी, देखो यहाँ पर ये 4 की पावर 1 बाई 2 का मतलब होता है √4, अरे √4 होता है, √4 की वैल्यू कितनी होती है 2, तो ये 2 लिखा है एक्चुअली, यहाँ 2 छुपा हुआ उन लोगों ने ऐसा कचरा बना के दिया हुआ है, ये 2 लिखा है एक्चुअली, तो 2 इंटू 4 की पावर x है भाई, ये 2 है ये 4 की पावर x, ठीक है। अब देखो ध्यान से 1 प्लस 2 की पावर 4 लिखा है, ठीक है। 2 की पावर 4 को मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं, उसको मैं लिखता हूं क्या, 4 की पावर 2 इंटू एक्स लिख देते हैं, चलेगा क्या, आप वापस से ध्यान दीजिए। अरे हुआ ये है, वापस से ध्यान से देखिए, हमने इसको अलग किया और ये 2 बन गया, तो 2 इंटू 4 की पावर x ऐसा बनेगा। अब फॉर्मूला रिकॉल करो, ये 2 tan डेटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर डेटा बनने वाला है, मतलब 4 की पावर x बनना चाहिए नीचे, इसलिए मैं जानबूझ के इसको ओवरलैप करके, है ना, ऐसा वैसा करके 4 की पावर x का फॉर्मेट बना रहे हैं, ताकि अपन इसको ये और ये नीचे वाला पैटर्न सेम टू सेम रहना चाहिए ना, तभी हम कोई फॉर्मूला वगैरह अप्लाई कर पाएंगे, नहीं तो ये 2 की पावर x ये 4 की पावर x अलग अलग चीजें हैं, वो हमको इसलिए अरेंज करना है अल्टीमेटली कुछ कोई मिला के। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 इंटू 4 की पावर x अपॉन 1 प्लस, इसको मैं इंटरचेंज कर दूं 4 की पावर x इंटू 2 ऐसे कर दूं, क्यों, क्योंकि बात तो वही, ये भी 2x कहलाएगा वो भी 2x कहलाएगा, इसलिए क्योंकि यहाँ 4 की पावर x और 4 की पावर x एक सा दिख जाए बस। अब क्या था, लेट 4 की पावर x इक्वल टू tan थीटा सपोज कर लो, तो आपको पता है अगर ऐसा जब भी किया जरूरत पड़ेगी तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 4 की पावर x। तो चलो क्वेश्चन कन्वर्ट कर लो, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये 2 तो ले ऑलरेडी लिखा है, इसको क्या सपोज किया 4 की पावर x को tan थीटा, दिस इज tan थीटा अपॉन 1 प्लस ये स्क्वायर लगा हुआ है, तो tan थीटा का स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा। अब आपको पता होगा ये फॉर्मूला कौन सा है, वापस से रिकॉल करा रहा हूं, अभी लिखवाया मैंने 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा, और अगर यहाँ नीचे माइनस होता तो ये बन जाता tan 2 थीटा, फिर से एक 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर वाला होता है cos, अगर 2 tan अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर होता है तो ये होता है साइन का 2 डेटा, और अगर यहाँ माइनस आ जाए तो tan का 2 डेटा। तो अभी ये साइन का 2 डेटा है। एग्जैक्टली क्या आंसर हो जाएगा हमारा? y इज इक्वल टू दिस इज साइन इनवर्स, और ये बन जाएगा साइन का 2 डेटा, साइन का 2 डेटा। बस ये इसे कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 2 डेटा, y इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू वापस से क्या रखें, tan इनवर्स 4 की पावर x। चलिए अब डिफरेंशिएशन तो आसान है, यहाँ तक इतना हमने कर लिया है। dy by dx equal to dy by dx of 2 into tan inverse 4 की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो 2 तो एज इट इज कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। देखो फंक्शन बाहर वाले से डिफरेंशिएशन स्टार्ट होता है। बाहर कौन सा फंक्शन है भाई? tan इनवर्स है ना। इसको x सपोज कर लो, ये x है। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स ही है स्क्वायर। क्लियर? अभी क्या ये x है क्या? नहीं, तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन करो, किसका? 4 की पावर x का। अभी बस आराम से 2 बाय 1 प्लस, इसको क्या लिखना है जैसे क्वेश्चन में दिया था वैसा लिख दो। क्या लिखा? 2 की पावर 4x लिखा था, आप इसको 4 की पावर 2x लिख दिया मैंने। आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना, कोई जरूरी नहीं जैसा दिया हो। 4 की पावर 2x लिख दिया हमने, और उसको 2 की पावर 4x भी लिख सकते हो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ ये, अब आपको अभी बताया था डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन कॉन्स्टेंट की पावर एक्स इंटू लॉग ए होता है, 4 की पावर एक्स का 4 की पावर एक्स इंटू लॉग 4। अल्टीमेटली आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 2 log 4 इंटू 4 की पावर x अपॉन 1 प्लस 4 की पावर 2x। आप देख लीजिएगा आंसर ये दिया है, ठीक है। आई होप समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन बड़ा आसान है, छोटा बड़ा हो सकता है। इसको इधर दिया हो 4 का स्क्वायर लिख दिया हो, इसको 16 लिख दिया होगा। आप आंसर चेक कर लीजिएगा, बड़ा आसान क्वेश्चन है। और ऐसे ही करते जाना है, बस फॉर्मूला याद रखना है, कन्वर्जन हमको धीरे धीरे बन जाएगा, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है? y इज इक्वल टू दिस, है ना। आप बहुत छोटी सी चीज है, इसमें ध्यान रखिएगा, याद रखने लायक चीज है। वो ये है कि आप इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर पूरे को अगर आपने 5x सपोज कर लिया, 1 माइनस 5x का स्क्वायर 1 प्लस 5x का स्क्वायर, तो आप यहाँ पर 5x इक्वल टू tan थीटा सपोज कर लेंगे। तो आप मेरे ख्याल से वैसा ना करें तो ज्यादा आपको तकलीफ नहीं होगी। मैं आपको तरीका बताता हूँ। तरीका यह है कि आप जब भी फॉर्मूले लगाते हैं, फॉर्मूले जब भी लगाते हैं, आप फॉर्मूले में क्या करिए, चीजों को इसको अकेला कर लीजिए। एक्स इसको अकेला कर लो आप, एक्स को, तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि सेम टू सेम चीजें आप जब इंटीग्रेशन करेंगे तो भी ये छोटी सी चीजें आएगी। इसलिए मैं अभी से आपको बताता हूँ, आंसर अभी भी ला लोगे आप, लेकिन यही फॉलो करो, वहां भी जाओगे तो आपको दिक्कत नहीं जाएगी। क्या करना पड़ता है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट का अकेला करना पड़ता है। जो फॉर्मूला वाला पैटर्न होता है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोई कोएफिशिएंट लिखा होता है कि नहीं लिखा होता है, तो इसका कोएफिशिएंट को 1 बनाना है। समझ आई बात आपको? तो ऐसे ही अभी करो तो आपको वो इंटीग्रेशन में भी काम पड़ेगा, नहीं तो यहाँ अलग याद रखो, वहां अलग याद रखो, तो चीजें कभी कभी मिक्स हो जाती है। चलिए देखते हैं मैंने क्या बोला चाहे आपको। अल्टीमेटली बोला ये चाहा है कि साइन इनवर्स, आप एक काम करो, इसको 25 कॉमन ले लो बिंदास यहाँ से, तो हो जाएगा 25 जैसे कॉमन लिया आपने तो हो जाएगा 1/25 माइनस एक्स स्क्वायर। अरे हुआ, यहाँ से भी 25 कॉमन लिया, 1/25 प्लस एक्स स्क्वायर। ये बात के लिए बता रहा हूँ, अभी तो आप आंसर कैसे भी ला सकते हो, लेकिन आप ऐसे ही फॉलो करो। 25 कैंसिल हो गया। अभी क्या करने वाले हैं, आप इसको बड़े प्यार से लिखिए, जैसे साइन इनवर्स 1 माइनस ये 1/5 का स्क्वायर लिखो आप इसको, 1/5 स्क्वायर और एक्स स्क्वायर अपॉन 1/5 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। अभी क्या करेंगे आप, आपको पता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता, अगर ऐसा होता तो क्या सपोज करता मैं, x इक्वल टू tan थीटा। क्यों? क्योंकि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हमारा क्या बन जाता है, cos का 2 थीटा, फॉर्मूला वाला। तो अगर यहाँ पर ऐसा नहीं है तो आप इसको बनाने के लिए जबरदस्ती में क्या सपोज कर लेंगे क्या सपोज करेंगे, x इक्वल टू tan थीटा सपोज नहीं करेंगे। इस बार सपोज करोगे लेट x इक्वल टू, जबरदस्ती में क्या लेके आओगे 1/5, क्या लेके आओगे x इक्वल टू 1/5 tan थीटा। देखो क्यों सपोज किया, ये पंचायत को एक्स्ट्रा सपोज कर लेते हैं अपन इसी कांस्टेंट को देखते हुए। देखो अभी क्या फायदा है इसका, अगर ये ऐसा हो तो हमारा थीटा क्या कन्वर्ट हो जाएगा बाद में, देन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, यहाँ लिखता हूं मैं, थीटा के लाना पड़ेगा ना। चलो इसको इधर करो, 5x इक्वल टू tan थीटा हो जाएगा, 5x इक्वल टू tan थीटा। तो अभी क्या होगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 5x, यही हो जाएगा, ठीक है। अरे कन्वर्ट कर लिया tan इनवर्स 5x। अब क्या करना है, मुझे इस क्वेश्चन पे आना है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/5 स्क्वायर माइनस एक्स के प्लेस में क्या रखना 1/5 tan थीटा। तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/5 स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। सिमिलरली 1 प्लस नीचे क्या हो जाएगा 1/5 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के प्लेस में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर के प्लेस में 1/5 स्क्वायर और tan स्क्वायर थीटा। अभी 1/5 स्क्वायर कॉमन लेके निपटा दूं क्या, मैंने क्या बोला है आपको 1/5 स्क्वायर कॉमन ले लीजिए और 1 माइनस सिर्फ बचेगा tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। न्यूमरेटर से कॉमन ले लिया, ऐसे ही डिनोमिनेटर से 1/5 स्क्वायर तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, डन। ये कैंसिल हो जाएगा, अरे समझ आया वो आपको, कुछ नहीं, दोनों से कॉमन ले लिया, ये बचा। और ये तो फॉर्मूला है मेरा, कौन सा फॉर्मूला है, अरे वही y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाता है cos का 2 थीटा, हो जाता है cos का 2 थीटा। अभी तो पंचायत खत्म नहीं हुई है, क्यों, क्योंकि अभी साइन और कॉस, तो क्या करें, हमको तो फॉर्मूला पता है, कौन सा फॉर्मूला पता है हमको, पता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 होता है। तो जब भी साइन इनवर्स एक्स की बात होगी हम लिखेंगे π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो मतलब साइन इनवर्स की बात हुई तो इसको लिखेंगे हम साइन इनवर्स एक्स की बात हुई तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स ये वाला आ जाएगा, कौन सा कॉस का 2 थीटा। समझ आ रहा होगा आपको, बस ये से ही निपट गया। y इज इक्वल टू π/2 माइनस 2 थीटा, और थीटा को अभी रिवर्स कर लेते हैं हम, थीटा कौन है भाई, थीटा इज tan इनवर्स 5x, दिस इज tan इनवर्स 5x। अभी क्या करें, डिफरेंशिएट करने वाले dy/dx ऑफ π/2 माइनस 2 tan इनवर्स 5x। अभी क्या करो, डिफरेंशिएशन π/2 मतलब कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन 0 2। अभी tan इनवर्स x में बाहर फंक्शन कौन सा, tan इनवर्स का डिफरेंस क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस x कौन है मेरे पास, ये है एक्स स्क्वायर। अभी क्या ये x है क्या, नहीं, इसलिए फर्दर डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट 5x का फिर से डिफरेंशिएशन, ये हो जाएगा -2 अपॉन दिस इज 1 25 एक्स स्क्वायर, ये वापस से बन जाएगा, क्या बन जाएगा 5 × 25 एक्स स्क्वायर, और 5x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 5, ठीक है, इंटू 5 लिख दो आप -10 अपॉन 1 प्लस 25 एक्स स्क्वायर इज आवर आंसर। आई होप समझ आया होगा, ऐसी पैटर्न से करो आप, बहुत समझ आएगा, आप आगे प्रॉब्लम नहीं जाएगी। मैं जानबूझ के चीजों से इसलिए बता रहा हूँ आपको, रीजन ये है कि लास्ट में जाके आपको बाद में काम पड़ेगी, यही अलग से चीजें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 10 में भी अभी तक जो करते आ रहा है सेम टू सेम वही करना है। अब आप बोलोगे इसमें कैसे, क्योंकि इसमें तो एक्स क्यूब दिया हुआ है, अब कैसे होगा, तो करना कुछ नहीं, अभी हिम्मत नहीं हारना है, क्वेश्चन बस करते जाना है, कैसे करना है स्टार्ट करेंगे। अगर देखा क्वेश्चन नहीं बनेगा यार कि कैसा कर सकते, तो एक बार हेड एंड ट्रायल तो कर सकते हैं, कोशिश करो, आगे नहीं गया तो फिर दूसरा मैथड सोचो, लेकिन एक बार कोशिश तो करेंगे हम, तो चलो कोशिश करने में क्या दिक्कत है, स्टार्ट करते हैं। तो हमने ये सोचा है कि साइन इनवर्स के बाद अंदर कुछ साइन बन जाए तो फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। हमको तो फॉर्मूला अगर ये ऐसा होता 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता, तो एक्स को tan थीटा सपोज करते तो फिर cos बन जाता, यहाँ पे cos का 2 थीटा बन जाता, और फिर cos का साइन में चेंज कर लेते हैं, हम बना लेते हैं, लेकिन ये तो ऐसा है नहीं। लेकिन हम बोल रहे हैं फिर भी जबरदस्ती में ट्राई कर रहा है। मैंने क्या बोला, इस पूरे को यहाँ पर हमको क्या चाहिए, यहाँ पर हमको क्या चाहिए 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा चाहिए ना हमको, ये चाहिए क्यों, क्योंकि यहाँ पे बाद में cos का 2 थीटा बन जाएगा, और cos का 2 और बाहर का साइन इनवर्स वापस में जाके π/2 माइनस से चेंज हो जाएगा। तो इसको कौन प्रॉब्लम कर रहा है, एक्स क्यूब, क्या चाहिए हमको tan स्क्वायर, अरे tan स्क्वायर चाहिए ना, तो हम उसको सपोज कर लेते हैं, सपोज कर लो कोई दिक्कत नहीं। क्या सपोज करें, हमने कर लिया लेट एक्स क्यूब इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, पूरा जो होना उसी को सपोज कर डालो, देखते कहां तक बात जाती है। अगर इसको ऐसा सपोज किया तो देखिए ध्यान से, अभी हम थीटा भी यही निकाल लेते हैं, थीटा भी यही निकाल के रख लेते हैं, कैसे कि ये तो इसका मतलब तो होता है एक्स क्यूब इक्वल टू tan थीटा का होल स्क्वायर, ऐसा होता है मतलब क्या, हाँ बिल्कुल, किसी भी साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे ही tan थीटा इक्वल tan स्क्वायर थीटा होता है सेम टू सेम। तो करना क्या है, पहले आप tan थीटा को तो अकेला करो, tan इनवर्स यहीं से डायरेक्ट tan इनवर्स मत ले जा लेना, पाप हो जाएगा, पाप बहुत ज्यादा घनिष्ठ वाला, ठीक है घोर। तो करोगे कि आप पहले इसको स्क्वायर लिखो, फिर बोथ साइड स्क्वायर रूट लो, स्क्वायर रूट मतलब समझ आइए, स्क्वायर रूट लिया तो x की पावर 3/2 हो जाएगा, स्क्वायर रूट लेना मतलब पावर 1/2 करना, इसकी पावर 1/2 करा होगा तो tan हो जाएगा थीटा, समझ आएगा बात। अरे दोनों तरफ पावर 1/2, दोनों तरफ पावर 1/2, तो 1/2 का सिंपल हो गया 1 और 1/2 इंटू 3 हो जाएगा तो 3/2 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अभी बना tan थीटा, लेकिन चाहिए क्या थीटा, तो इसलिए थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, अब बंधु ये उठ के डर जाएगा, tan इनवर्स क्या हो जाएगा x की पावर 3/2। अभी हुआ ये थीटा, क्लियर। अभी हमने सपोज किया, क्या दिया था हमने सपोज किया कि बंधु आप जो हो एक्स क्यूब पूरा की पूरा हमने tan स्क्वायर बना लिया, तो बना लो ना, क्या बनाया था tan, उसी को पुट कर दिया, नीचे भी 1 प्लस पूरा एक्स क्यूब को बना दिया अपन tan स्क्वायर थीटा, कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। ये क्या बन जाएगा फॉर्मूला 1 माइनस tan कोटा अपॉन 1 प्लस tan कोटा इज इक्वल टू cos, ठीक है। अगर यहाँ याद हो गया होगा अभी तो कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। ये हो जाएगा cos का 2 डेटा, अभी तो sin इनवर्स है cos है तो क्या करेंगे वो फॉर्मूला, कौन सा π/2 वाला, अरे क्या था π/2 sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2। तो जब भी हमको cos, ये sin इनवर्स लिखा है ना, हमको cos बनाना है, cos इनवर्स चाहिए, तो cos इनवर्स x क्या लिखोगे π/2 माइनस sin इनवर्स x, तो हम लिखेंगे sin इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस cos इनवर्स x। cos इनवर्स x कौन सा मेरा, ये cos 2 थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू π/2 माइनस ये बन जाएगा 2 थीटा। अब बताओ थीटा को तो रिवर्स कर लो ना भाई, थीटा को तो रिवर्स कर सकते हैं, y इज इक्वल टू दिस इज π/2 माइनस 2 थीटा है ना, 2 की वैल्यू ये है और थीटा की वैल्यू हमने अभी निकाली हुई है, कहाँ गई थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x की पावर 3/2, tan इनवर्स x की पावर 3/2। चलते हैं अब डिफरेंशिएशन करने, dy/dx इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x की पावर 3/2। चले अब क्या करना है, π/2 तो कांस्टेंट है, लो भाई 0, तो 0 लेके बैठ गया। अब बाहर वाला फंक्शन कौन है यहाँ पे tan इनवर्स का, पहले x³ को नहीं कर देना, x3/2 को नहीं कर देना, tan इनवर्स इस पूरे को wx सपोज कर लो, कैपिटल X, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस x², तो मेरा x तो ये है, इसका स्क्वायर करना है, ठीक है x²। अभी क्या ये x है क्या, नहीं, तो इसको फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा ना बाबा, कर दो, दिस इज -2 अपॉन 1 प्लस, अब क्या लगता है पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर 3/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x³ बन जाएगा, अरे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। अब x की पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू x की पावर n माइनस 1, अल्टीमेटली ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -1 अपॉन 1 प्लस x³। अब ये कितना बचेगा, एक 3 बचा भाई, 3 बचा 3 बचा डेढ़, ये अरे 3/2 मतलब 1.5 में से 1 गया, सिर्फ हाफ बचेगा, मतलब x की पावर 1/2। आप इसको और प्यार से लिखो ना, 3√x अपॉन 1 प्लस x की पावर 3, ये हमारा हो गया dy/dx। आई होप आपको समझ आया होगा, क्वेश्चन बड़ा आसान है, वैसे ही करना, देखो ट्रायल में ही चला गया, ऊपर टांग दिख रहा था फिर भी हमने ट्राई किया, बन जाता है। मैंने बोला सिर्फ फॉर्मूले भेज दो, 3-4 जो फॉर्मूले मैंने बताया, फॉर्मूले याद रखो, ट्राई करो, पहुंच जाएगा वहां तक, ठीक है। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपन आगे बढ़ते हैं, स्क्रीन शॉट लीजिए, मैं इसको क्लीन कर देता हूं, यहीं पर क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखते हैं, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, मेरी भी फोटो आ जाएगी स्क्रीन शॉट में, क्यों वाली, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट जो दिया है ये हो गया हमारा 10 वाला बस, ठीक है। 11th क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हो देखते हैं, y इज इक्वल टू गिवन है tan इनवर्स ऑफ 2x की पावर 5/2 अपॉन 1 माइनस x की पावर 5। ये फिर से वैसे ही मतलब जाहिल क्वेश्चन है, देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कि कल अभी मौत के घाट उतार देगा, लेकिन इसको पता नहीं कि इससे बड़े शेर बैठे, हम लोग आप लोग सब मिलके। तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन बराबर कॉपी किया मैंने, हाँ जी कॉपी किया, तो देखें अपन स्टार्ट करें tan इनवर्स ऑफ दिस। तो आपको पता है, एक बार वापस से ध्यान करो, जो कचरा जो भी लिखा है उससे कोई मतलब नहीं है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, याद आ गया होगा क्या था मेरा ये फॉर्मूला था, ये आपको याद आया होगा, 2 tan थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये लगने वाला है इस बार, प्लस होता तो साइन का 2 थीटा बनता, माइनस हो जाता है नीचे तो tan का 2 थीटा लगता है, तो बस इसको बनाना है, कोशिश करते हैं, चलिए। तो अब क्या करें, मैं ऊपर पूरे वाले को सपोज कर लूं, ऊपर क्या होना मेरे को tan थीटा चाहिए, कंपेयर करो tan थीटा चाहिए, तो मैं सपोज कर लेता हूँ, करके देखने में क्या दिक्कत है, लेट x की पावर 5/2 इक्वल टू tan थीटा, बिल्कुल रखो वैल्यू, तो y इसको और थीटा भी कन्वर्ट कर लेना, इसलिए फाइनली थीटा की कभी जरूरत पड़ेगी हमको, वैसे पड़ेगी कभी क्या, तो हो जाएगा दिस इज tan इनवर्स x की पावर 5/2। क्लियर? अब क्या करें भाई, कुछ नहीं, क्वेश्चन जो अपन ने सपोज किया कन्वर्ट करिए आप बिंदास। tan इनवर्स 2 इसको तो अपन ने क्या सपोज किया tan थीटा, वही लीजिए tan थीटा। अभी नीचे वाला क्या हो जाता है, ध्यान से देखो 1 - x की पावर 5 लिखा है, x की पावर 5, अरे इसका स्क्वायर करके देखो जरा, इसका स्क्वायर जैसे करोगे tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू इसके स्क्वायर जैसे करोगे 2 से 2 कर जाएगा, x की पावर 5 बन जाएगा। मतलब ये लिखा है tan स्क्वायर थीटा, ऑटोमेटिकली ऑटो एडजस्ट हो गया भाई। ठीक है, कितनी मस्त बात है, ट्राई किया और क्वेश्चन बोलता जड़ से सॉल्व। तो फॉर्मूला तो आपको पता है 2 tan थीटा अपन 1 - tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan का बन जाता है 2 थीटा और tan से tan कैंसिल, y इज इक्वल टू 2 थीटा। अभी आत्मा को शांति नहीं मिली है, क्यों? क्योंकि थीटा थोड़ी चाहिए, थीटा थोड़ी डिफरेंशिएट करना है बाबा, थीटा नहीं, थीटा की वैल्यू पुट करिए, दिस इज tan इनवर्स x की पावर 5/2। तो क्या करें, कुछ मत करो, डिफरेंशिएट करो और क्या, dy/dx ऑफ 2 tan इनवर्स x की पावर 5/2। अब आप क्या करें, स्टार्ट करें डिफरेंशिएशन, ऐसे कर देते हैं इसको, चलो 2 तो कांस्टेंट है एज इट इज, स्टार्ट करते हैं बाहर वाले फंक्शन से डिफरेंशिएशन स्टार्ट होगा। tan इनवर्स दिया, tan इनवर्स w को पूरा w जो भी लिखा है कचरा को x सपोज कर लो, कैपिटल X। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 + x स्क्वायर, तो x तो मेरे पास कौन है 5/2 इसका स्क्वायर, और d/dx ऑफ x है क्या, तू तो x है ही नहीं, तो देखो फिर से मारना पड़ेगा, लो मार देंगे x की पावर 5/2 कर देंगे ना, कोई टेंशन नहीं। ये क्या बचेगा फाइनली हमारे पास, बचेगा dy/dx इज इक्वल टू 2/1 + क्या बचेगा, देखो पावर पे पावर मल्टीप्लाई हुई, 2 से 2 कैंसिल, वो जो हम वहां पे बात कर रहे थे x की पावर 5 बचा, x की पावर 5 इंटू डिफरेंशिएशन x की पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू x की पावर n 5/2 है ना, n इंटू x की पावर 5/2 -1। फाइनली 5 2 10, अरे नहीं 1 2 2 से निपटा दो ना, अरे 1 2 2 से निपटा दो, 5/1 + x की पावर 5 इंटू कितना हो जाएगा, ये 2.5 होता है शायद, मैं से 1 जाएगा 3/2। ठीक है, दिस इज x की पावर 3/2। शायद बुक में हो सकता है इन्होंने ज्यादा दिमाग लगा के ऐसा कर लिया होगा, 5 इंटू इसको लिखा होगा x की पावर 1 और x की पावर 1/2 अलग अलग लिख सकते हो, 1 + x की पावर 5, अरे कर सकते हैं ना बाबा, ये दोनों ऐड हो जाएगा, बेस में पावर है 3/2, 1 + 1/2 = 3/2, कभी कभी होता है। बाकी इससे निराश नहीं होना है, क्वेश्चन की हमने यहाँ तक किया या फिर और श्रिंक नहीं कर पाया, वो सब एक सा है, सब एक सा है, वो दिमाग देखता है कि यहाँ तक आपने किया है कि नहीं किया। देखो क्या करना है, 5x इसको रूट x लिख दिया हमने, तो एक काम कर सकते हैं 5x और ये रूट x अपॉन इसको रूट x बना दिया 1 + x की पावर 5, और इस तरीके से हमारा dy/dx हो सकता है, ये आंसर हो सकता है ये आंसर हो, या ये लिखा हो, आप समझ जाइएगा ना, क्वेश्चन बड़ा आसान है, वही करना है, एफर्ट लगाना अपने आप बन जाएगा, फॉर्मूले से बिल्कुल अभी करते साथ याद करते जाइए। चलिए आगे क्वेश्चन देखता हूँ मैं, क्वेश्चन हमारे पास बचा ये, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए है ना। ओके, इस क्वेश्चन नंबर 12 को करने के 2 तरीके हैं बेसिकली, एक तो वो जो हम करते आ रहे हैं पहले से, रूट एक्स को tan स्क्वायर थीटा सपोज करके करेंगे, एक तो वो तरीका है, वो तरीका उसके अलावा एक और शॉर्टकट तरीका, अगर आप वैसे करके जाओगे तो थोड़ा लंबा जरूर जाएगा, लेकिन आंसर उसमें भी आ जाएगा, आपको थोड़ा सा आर&डी करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा सा तकलीफ जाएगी, वो आप इस तरीके से आप करके देखिएगा। मैं इसको एक और तरीका बता रहा हूँ जो हमने पहले भी की हुई है, लेकिन इसमें बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, जैसे कि आपको पता है y इज इक्वल टू दिस इज cot इनवर्स, हम इस क्वेश्चन में इसको जानबूझ के 1 को मैं एज इट इज 1 लिख देता हूँ, 1 - रूट x अपॉन 1 + यहाँ पर एक 1 का मल्टीप्लाई करता हूँ और रूट x, कुछ लोगों को समझ आ गया होगा। अभी क्या करने वाले हम, लेट रूट x इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा x, वो जो नेक्स्ट मेथड था हम जो करने जा रहे डायरेक्टली 1 - cos tan स्क्वायर थीटा बना के, एक तो वो तरीका था, एक ये तरीका। इसमें क्या करोगे आप, इसको ये सपोज करो, ठीक है, तो यहाँ पर आप रूट x की एक काम कर दो, x की पावर 1/2 सपोज कर लो, और दिस इज tan थीटा का होल स्क्वायर, ये ऐसे ही लिखा हुआ है, आपको थीटा निकालना ना भाई उससे, तो अंडर रूट लो दोनों तरफ, तो x की पावर 1/2 का भी 1/2 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा tan थीटा, क्योंकि पावर 2 है, 1/2 लगाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। अब ये हो जाएगा x की पावर 1/4 इक्वल टू tan थीटा, और थीटा अगर मुझे निकालना पड़े तो दिस विल इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x की पावर 1/4, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी है ना। अब इसमें क्या करना है आप ध्यान से देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ इस प्लेस पे ऐसा क्वेश्चन हमने पहले अटेम्प्ट किया है, ऐसे ही कुछ बनाया है। देखो 1 को मैं लिख रहा हूं 10π/4, ठीक है, 10π/4 माइनस, इसको हमने क्या सपोज किया है, रूट एक्स, नहीं इसको ये सपोज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो रूट एक्स भी सपोज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत आसान है ये तो, और जल्दी हो जाएगा। रूट एक्स इक्वल टू आप सिर्फ tan थीटा सपोज करो, सिर्फ tan थीटा, उससे क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स, जल्दी हो जाएगा, और जल्दी क्या हो जाएगा, यहाँ पर रूट एक्स के प्लेस में आप tan थीटा, अरे रूट एक्स के प्लेस में tan थीटा डाल दीजिए, अपॉन 1 + 1 को मैं वापस से लिख रहा हूँ क्या, tan π/4 इंटू ये हो जाएगा tan का थीटा, क्यों अरे इसको tan थीटा सपोज किया ना अभी, बस अब आप ध्यान से देखो कि ये फॉर्मूला बन गया आपका, कौन सा फॉर्मूला, ये होता है tan a - b इज इक्वल टू tan a - tan b अपॉन 1 + tan a इंटू tan b, याद आ गया होगा आपको। दिस इज y इक्वल टू cot इनवर्स tan a - tan b अपॉन 1 + tan a - tan b, तो बन जाएगा tan a - b का, तो tan a - b मतलब π/4 माइनस थीटा बन गया, क्लियर। अभी आपको पता है तो cot इनवर्स tan है तो कन्वर्ट हो जाता है ना, कौन से फॉर्मूले से, फॉर्मूला ये वाला tan इनवर्स x प्लस कॉट, हमको पता है कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू होता है π/2, जब भी जरूरत पड़ेगी कॉट इनवर्स x हो जाएगा π/2 माइनस tan इनवर्स x, तो हो जाएगा हमारा कॉट इनवर्स x की वैल्यू π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ x, x कौन है मेरा, tan π/4 माइनस थीटा, क्लियर, ये हो गया हमारा। अब ये से कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू π/2 माइनस क्या बचेगा अंदर, π/4 माइनस थीटा। अब इसको ओपन कर लीजिए तो दिस विल बी इक्वल टू y इक्वल टू π/2 माइनस π/4 प्लस का थीटा हो जाएगा, तो देखो 90 में से 45 जाएगा, फिर से 45, y इक्वल टू π/4 प्लस थीटा, क्या आ गया हमारा, थीटा को रिवर्स करना पड़ेगा भाई, तो y इक्वल टू π/4 प्लस थीटा की वैल्यू अगेन, थीटा क्या था tan इनवर्स x, रख दीजिए tan इनवर्स ऑफ x, करो ना डिफरेंट dy/dx इज इक्वल टू dy/dx ऑफ π/4 प्लस tan इनवर्स x, ठीक है, बस अब क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना, और वो तो आसान है, हम कई बार कर चुके हैं। क्या होगा dy/dx इज इक्वल टू π/4 कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन 0 प्लस tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x स्क्वायर, ओ हो tan इनवर्स x था क्या, नहीं tan इनवर्स रूट x था भाई, अभी गड़बड़ी हो जाती है, tan इनवर्स रूट x का थीटा की वैल्यू, ठीक है, तो रूट x का डिफरेंस बाहर वाला फंक्शन, इसको प्रॉपर लिखते हैं अपन, ये हो जाता है tan इनवर्स रूट ऑफ x, ठीक है, tan इनवर्स रूट x का डिफरेंशिएशन, बाहर का फंक्शन क्या है tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, x कौन है रूट x का स्क्वायर, अभी क्या ये x है क्या, नहीं है, तो इसका फर्दर डिफरेंशिएशन रूट x का डिफरेंशिएशन करेंगे, बस ये जाएगा 1/1 प्लस रूट x का स्क्वायर मतलब x, और ये हो जाएगा dy/dx ऑफ व्हाट x की पावर 1/2, अरे रूट x का मतलब होता है x की पावर 1/2, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा n इंटू x की पावर n - 1, दैट मीन्स 1/1 प्लस x इंटू n इंटू x की पावर n - 1। आपको पता है हाफ में से 1 जाएगा तो -हाफ मतलब x की पावर -1/2, वो डिनोमिनेटर जाएगी x की पावर 1/2, डिनोमिनेटर जाके x की पावर 1/2, उसी को हम लिख सकते हैं, ये तो 2 है, 1 प्लस x है, और x नीचे जाके x की पावर 1/2 बनेगा, मतलब उसको रूट एक्स लिखो आप, ये रूट एक्स, मतलब आंसर आपको ऐसा दिया होगा 1/2 रूट एक्स और 1 + x दिया होगा आंसर आपको, कहीं माइनस तो नहीं लगा, नहीं कभी माइनस नहीं है, ये माइनस था, ये पॉजिटिव हो गया था, ठीक है, इस तरीके से हमारा आंसर है। आई होप आपको पार्ट समझ आ रहा होगा, क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मिलते हैं, बाय, जय हिंद।